जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रकार। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का डिटेल्स बता रहे हैं। यदि ये वीडियो समझ में आएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग का हिंदी होता है अनुरूप, डिजिटल का हिंदी होता है अंकीय और हाइब्रिड का होता है संकर। जैसे हम लोग बीज लेते हैं बोलते हैं कि हाइब्रिड का है। हाइब्रिड का मतलब होता है उच्च संकर, समझ गए? तो एनालॉग वैसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग रक्तचाप, रक्तदाब, तापमान आदि को जांचने में प्रयुक्त किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। कहने का मतलब है कि मापन का काम करता है, जैसे रक्तचाप, रक्तदाब, तापमान आदि को जांचने में प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। इसका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का। बहुत कीमती और खर्चीला कंप्यूटर है, समझ गए? जैसे डिजिटल वैसा कंप्यूटर जो स्थिर तरंग पर कार्य करने में सक्षम होता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इसका प्रयोग बिजनेस पर्पज के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कहने का मतलब इसका प्रयोग व्यवसायिक रूप में किया जाता है। समझे? yes, तो हम लोग यहाँ पर लैब में लगा हुआ है कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल है, अंकीय, हाइब्रिड। वैसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का गुण मौजूद होता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। कहने का मतलब है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण है, यानी मिश्रित कंप्यूटर है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। यह बहुत कीमती और खर्चीला कंप्यूटर है, समझ गए? yes, क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का गुण है। इस पर एनालॉग का भी कार्य कर सकते हैं और डिजिटल का भी कार्य कर सकते हैं। ओके सर, समझ गए? क्या हो सुन, इतना लेट से आ रहा है पढ़े? सर थोड़ा सा विसर्जन था मूर्ति तो वही लेट फंसे सर। जिंदगी भर तो विसर्जन के करते रह जाएगा। अरे बाबू पढ़ लो। अरे सर ठीक है ठीक है, बाइक से ना रहा था सर, जाम लग गया। राजू का कहता कि राजू, अरे उनका तो बस चलता है, गाड़ी चलता है, उन नहीं पड़ेगा तो कमा खा लेंगे। टाइम है 9:30 में आ रहा है, बताओ क्या की सर, पढ़ाइए ना, बन जाए हम भी उसने। देखो बाबू पढ़ाई का खिलवाड़ नहीं समझो, पढ़ाई इतना टफ चीज है ना कि निमन निमन का चू जाता है। Yes, sir. और हाँ सर, चूहे का मतलब निमन निमन का पसेना चू जाता है। तो हाँ सर, क्यों हम बोले कि निमन निमन का चू जाता है, चूहे का मतलब पसेना चू जाता है। पढ़ाई इतना टफ चीज है ना कि निमन निमन पढ़ रहा है पसेना चू जाता है। सीरियस लीजिए, आप लोग खिलवाड़ में समझते हैं पढ़ाई को। ठीक है सर, पढ़ेंगे तो पसीना किस छूटेगा। हाँ तो ठीक है, यही बता रहे हैं, समझ रहे हैं? समझ गए बाबू, सुनो आप ही के लिए बोल रहे हैं। देखो पढ़ लो, हम यहाँ बता रहे हैं एनालॉग। अब आपको तो ध्यान कहीं और है ना सर, मुस वाला टाणी को ध्यान है। ठीक है सर, पढ़ाइए पढ़ाइए, समझ गए हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं, दुख लगेगा लेकिन आगे चल के बोलेगा कि हरिंदर सर कहा बोले थे।
नौकरी रह जाएगा तो हमको दे देगा, अपना बीवी बच्चा के देखिएगा, ये तो मशरूम को भूल जाएगा। चलिए तो ठीक है, समझिए एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ये समझ गए कि एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है। हाइब्रिड मिश्रित कंप्यूटर है, मिश्रित मिश्रित का मतलब क्या, दोनों को मिला हुआ, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण इसमें है। तो समझिए कि हाइब्रिड है, जैसे बड़ा पर लिखा था बीच के उच्च संकर हाइब्रिड का है, हाइब्रिड यानी उच्च संकर। चलिए देखिए एक बात हम बताते हैं, पढ़ल और अनपढ़ में क्या फर्क है, पढ़ल और अनपढ़ में बहुत फर्क है जी। पढ़ल आदमी के ये नहीं कहते कि आदमी पढ़ता है तो जॉब ले लेगा, जॉब के लिए कोई नहीं पढ़ता है, एजुकेशन के लिए पढ़ता है, कहीं भी समाज में जाएगा जो पढ़ा रहेगा उसको बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, किसी आदमी से बातचीत कर लेगा, लेकिन अनपढ़ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन एक बात गौर कभी किए हैं कि मोबाइल में अनपढ़ आदमी की सही सही पढ़ जाता है कि म्यूजिक है, गैलरी है, प्रोफाइल है, ये सारा चीज सही सही पढ़ जाता है, ऐसा क्यों, कभी गौर किए हैं, ऐसा क्यों होता है। आज हम बताते हैं कि अनपढ़ आदमी मोबाइल में सही सही पढ़ जाता है क्योंकि उसको चलाते चलाते अनुभव हो गया है, समझ गए। अगर वही चीज पाना तो लिख देगा ना कि बाबू ये म्यूजिक है यहाँ पर, वो नहीं पढ़ पाएगा, हम वादा करते हैं कि नहीं पढ़ पाएगा, अगर पेपर पर लिख के दे देंगे तब, लेकिन ये मोबाइल में पढ़ जाएगा, उसको अनुभव हो गया कि इसको हम म्यूजिक कहते हैं, ये म्यूजिक है, गैलरी है, फोटो है, प्रोफाइल है, सेटिंग है, यानी सब सही सही पढ़ता है, कॉपी पर लिख के दे देंगे तो नहीं पढ़ पाएगा, समझ गए, यानी सारा अनुभव से काम करता है। एक बात हम बताते हैं, एक छोटा सा कहानी है सुन लीजिए कि अनपढ़ और पढ़ल में फर्क क्या है और पढ़ाई जरूरी क्यों है। दो भाई था, एक का नाम था संतोष और एक का नाम था मंतोष, उसको माँ गुजर गई थी, उनको पापा बोले कि ए संतोष मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अब मैं बाहर जाता हूँ कमाने, अगर मेरा जॉब लग जाएगा तो हम आपको लेटर लेकर लगा देंगे, तो समझ गया कि मेरा जॉब लग गया, पहले मोबाइल फोन नहीं चलता था, पहले के युग में लेटर चलता था, डाक वाला आता था उनसी लेके। यस सर। उनको पापा दोस्त के साथ चल गए सूरत, सूरत गुजरात स्टेट में पड़ता है, जगह का नाम है सूरत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर गए, उनको पापा को पानी सेट नहीं किया, संतोष के पापा के तबियत हल्का फुल्का खराब हो गया नॉर्मल, तब वो बोले कि हम सूरत स्टेट में सूरत जगह में नहीं रहेंगे, मेरा तबियत आते आते खराब हो गया, कहीं चलिए भाई दूसरा जगह काम कर लेते हैं। उनका दोस्त बोले कि चलिए, एक मेरा दोस्त रहता है अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, अजमेर वहां से ट्रेन पकड़ लिया उनका पापा, तो उनको पापा को याद आ गया कि हाँ संतोष के हम वादा दिए थे कि अगर जॉब मिल जाएगा तो लेटर लगा देंगे, और ट्रेने में लेटर क्या लिख रहे हैं कि संतोष और मंतोष के मालूम कि मेरा हल्का फुल्का तबियत खराब है, मैं आज अजमेर गया, लिख दिया कि मैं आज अजमेर गया हूं, और लेटर को प्लेटफॉर्म पर जैसे पहुंचे डाक में डाल दिए। 8 दिन के बाद वो लेटर संतोष के घर आ गया उनसी लेकर, तो दोनों भाई खुश थे, चलिए भैया तो पापा का जॉब लग गया, अब का टेंशन है, पैसा आएगा, ब्याह शादी हो जाएगा, मस्ती करा जाएगा, पूरा लेकर खुश है। तो छोटका भी मतलब सब तेज था संतोष, बोला कि भैया ये लेटरवा पॉपिक है कि कोई और क्या है, तो कि अरे पूर्वक उतना दिन से लेटर में आ रहा था, कि पापा कह के गया पप्पे का लेटर है, दूसरा का थोड़ी होगा, बोला भैया हमें विश्वास नहीं हो कि पापा का लेटर है कि कोई और, कोई सब पढ़ावा ना, तो कि ये हो गांव में तो कोई पढ़ा नजर ना अभी, तो कहते क्या भैया इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कोई पढ़ा आदमी नहीं है। तो संतोष बोला कि नहीं बाबू, ये गांव में कोई पढ़ा नहीं है, सब LLPP है, LLPP का मतलब समझते ना है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, सब LLPP है। तब मंतोष बोला कि भैया देखिए कोई ऐसा आदमी के देखिए जो लेटर को पढ़ता है, तो एक मुखिया जी थे, सुन लीजिए मुखिया जी थे, वो 4 इलेक्शन हारे थे, मुखिया जी एक जेठ के दुपहरिया नहा रहा था, मुखिया जी रिलेटिव से आकर ससुराली से आकर सोए हुए थे, तो बोले कि ये वो संतोष मुखिया जी है, वो बाकी तीर घींच कर पढ़ते हैं कि कब भैया का और कब भैया रहा, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो कि भैया न के जगह पर हाँ है ना,
मुखिया जी के बुलाइए, तीर घिस के पढ़ेंगे ना, चलिए मुखिया जी के बुलावा जाए। ताकि जा मुखिया जी के चट्टानी को मुखिया जी के घर था, वहां गया मंत्रो से लहला दोपहरिया 12 बज रहा था, मुखिया जी आकर रिलेटिव से सोए हुए थे। मंत्रो से गया मुखिया जी, चिल्ला रहा दरवाजा पर मुखिया जी, मुखिया जी बोले कौन हो वो? तो हम मुखिया जी। मंत्रोस का बात है मुखिया जी? चलो ना मुखिया जी, जरूरी इमरजेंसी काम है, भैया बुलाए हैं। ताकि चार इलेक्शन से तो होने के ध्यान ना है, वो हरवा रहा है पूरा काम कर रहा था। मुखिया जी मुखिया जी जाओ, नहीं जाएंगे। तो मुखिया जी के को हाथ पकड़ लिया मंत्रोस, मुखिया जी चलो जरूरी काम है, अर्जेंट काम है। मुखिया जी बोले कि ठीक है चलो हम आते हैं घर। मुखिया जी गए, बोले कि का हो संतोष, इतना तुम लोग परेशान क्यों हो? ताकि मुखिया जी आए ना घर, अंदर आए ना। तो मुखिया जी गए, बोलो क्या बात है? तो मुखिया जी बोले लेटर पढ़ेगा। तो मुखिया जी लेटर के नाम सुन के मुखिया जी का पारा गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुखिया जी भी पढ़ल नहीं थे, फिर घिचवा थे। और मुखिया जी कह रहे कि हम जाल में फंस गए, हमको तो खुद पढ़ने नहीं आता जी, अभी लेटर कह रहा कि लेटर मुखिया जी पढ़ दीजिए। और मुखिया जी बहाना लगा रहे, कैसे बहाना लगा के भाग जाए। तो बोला कि हो संतोष, चश्मा घनी छूट गलो, हमारा दिखेगा बगैर चश्मा के? तो कह रहा कहा मुखिया जी, चलो छात्रा को पढ़ दू, लहला दोपहरिया 12 बज रहा है, चलिए छात्रा को पढ़ दीजिए। और मुखिया जी बोले कि जान नहीं छोड़ेगा, अभी लेटर पढ़वाबे करेगा। चलो छत पर ले गए, कुर्सी लगाए, लेटर के मुखिया जी खोले, कह रहे कि ये हो नाप दिख रहा है सही से, लाइट है कहा? कह रहे कि कहा मुखिया जी, दिनों में लाइट नहीं रहता, तो टॉर्च उछा तो ले आओ। मुखिया जी टॉर्च मंगवाए, टॉर्च में बार के पढ़ रहे कहा लेटरवा को कि संतोष और मंतोष के मालूम कि मेरा सीरियस तबीयत खराब था, मैं आज मर गया हूँ। लेटर पर लिखा था कि मैं आज आज मर गया हूँ, तो मुखिया जी पढ़ दिए कि मैं आज मर गया हूँ। अब लेकिन रोने लगा कि मम्मी तो चले गए, पप्पो चल गए। तो मुखिया जी कह रहे जाए वाला तो चल गए, रोवेगा उससे कुछ होगा, अब पापा का करमट करो। तो छोटका भाई कह रहे मुखिया जी पापा कब मरे, 1.5 तारीख लिखल है लेटर बाप। तो कि हाँ हो वही साथ तो बाप जी का दसवां बैठो। मुखिया जी घर में कुछ है ना, एक पे बता रहा है कि दसवां है तो बाबजी के, तो कि अरे पूर्वक 8 दिन लेटरवा में लग लो, अब 2 दिन है ना, 10 दिन ना पकड़ो। तो कि हम मुखिया जी सही कही थी। तो कि क्या करे मुखिया जी, तो कि चल 500 रुपया दे ही आ करमट कर दो। लेकिन गया 500 रुपया मुखिया जी दिए, छोटका को बोला संतोष की मंतोष जाओ ठाकुर जी के कह दो, चलो बेरा जमात बना ले जाए। ठाकुर जी दूसरा गांव के थे, पढ़ा लिखा थे ठाकुर जी। ठाकुर जी आए, बोले कि अच्छा संतोष आपका पापा के हाल ही देखे थे 4-5 दिन 10 दिन पहले, बढ़िया थे, अटेंडेंस कैसे आपातकालीन घटना घट गया? कि कहा जाने ठाकुर जी, हमको मालूम नहीं है। तो कौन कहा? तो कि लेटर आया है। तब ठाकुर जी दिमाग लगाए कि तो लेटर लिखा, ठाकुर कैसे दिमाग तेज होता है, बोला था कि लिखा कौन भाई? बोले ठाकुर जी की लेटर वाला देखा मन तो समझ लो। अरे ठाकुर जी काम कीजिए, जो कर रहा है तो कीजिए, हजामत बनाइए, लेटर के चक्कर में मत रहिए। तो कि लेटर वाला कौन पढ़ रहा है? तो कि मुखिया जी। अल्लाह, ठाकुर जी का डाउट हो गया कि मुखिया जी पढ़ रहा है, वो तो अपना ही है कि क्या छपा बोल रहा है। बोले कि संतोष लेटर वाला दिखाओ बाबू, जीत करने लगे कि लेटर दिखाइएगा तब बाल बनाएंगे। मंतोष बोला कि ठीक है हम आते हैं लेटर लेके घर से। लेटर ले आया, तब संतोष करा के मुखिया जी जा ना पनिया में ले जाओ, गड़ावा भी जा घर से का चंदे बांध करा के। आई भाई तो बापजी तो चली गए, तो हमरो घर से का भेज बाबा, कह दे कि जाको खरवा में पनी लेके चल आओ, हमरो भेजे का मन का। तो बोला मंतोष आ गया लेटर लेके, लेके आ गया। ठाकुर जी पढ़े कि संतोष और मंतोष के मालूम कि मेरा हल्का तबीयत खराब है, मैं आज अजमेर गया। तो कह रहा मंतोष की हार है मुखिया बेटा, अजमेर के मर गया पड़ दिया। जाके मुखिया जी के दुरा पर 10 घंटा गाली दिया, तो मुखिया जी की गलती है? इसमें मुखिया जी की गलती नहीं है, लेकिन क्या गलती है? क्योंकि अनपढ़ था, अगर पढ़ा रहा था तो पढ़वाने का जरूरत थी नहीं था, उसका गर्जीवन की गलती था कि अपना लड़का का एजुकेशन नहीं दिया।
तो उस दिन से लेकर शपथ लिया कि आज से मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। अब वहां से रीट चालू कर दिया और उस गांव का माहौल बहुत अच्छा हो गया जी, सब एजुकेटेड हो गया, समझ गए। तो वही से पढ़ा ला वनपण में यही फर्क है, समझ गए। अगर पढ़ा रहिएगा जॉब भी नहीं मिलेगा, आप सही पढ़ सकते ना जी, यस सर, कहीं सही से बोल सकते ना। यस सर। चलिए कहानी से रहस्य क्या मिला कि पढ़ना आज के डेट में बहुत जरूरी है। चलिए तो हम यहाँ बात कर रहे थे हाइब्रिड, यस समझ गए। तो इसका कई भाग होता है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, समझ गए। इसका भाग है माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर कौन कंप्यूटर का भाग है, डिजिटल का, समझ गए। यस सर। यहां माइक्रो कंप्यूटर रहेगा वैसा कंप्यूटर जिसमें सिंगल सीपीयू, सिंगल एएलयू और सिंगल मेमोरी होता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इस कंप्यूटर में एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है, समझ गए। ओके सर। किस कंप्यूटर में, माइक्रो में, जो आपका लैब में लगा हुआ है, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें सिंगल सीपीयू, सीपीयू का मतलब क्या होगा, सीपीयू, कोई पूछ गया कि सीपीयू मतलब सी से कंट्रोल, यू से यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, होता है कि गाड़ी कंट्रोल में है। yes. अगर आप गलती करते हैं तो घर को चलौनी जाता है, अपना लड़का का कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण करना। यह यूनिट नियंत्रण करने का काम करता है, यह एएलयू को बतलाता है कि कंप्यूटर में दिए गए वर्क को क्या करना है, समझ गए। सी यहाँ पर एएलयू, एएलयू का मतलब होता है ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑटोमेटिक्स लॉजिकल यूनिट। ऑटोमेटिक्स का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक्स जैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब क्या है, अंक गणितीय, उसी प्रकार यहाँ पर है ऑटोमेटिक्स, अंक गणितीय। अगर ये यूनिट कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी यूनिट का देन है कि आज हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्यूटर पर करते हैं, अर्थमैटिक्स लॉजिकल यूनिट। यस सर। एक होता है एमयू, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, जो स्टोरेज, जहां पर आपको डाटा स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जो आवश्यक जगह है यानी खाली जगह है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। और वहां पर हम सूचना को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, समझ गए। मेमोरी खाली नहीं है, अगर मेमोरी खाली रहेगा तभी तो भरेगा डाटा जी। तो मानव का मेमोरी 13 TB का होता है, समथिंग वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है, साइंटिस्ट ने, कि मानव का मेमोरी 13 TB का होता है, समझ रहे जी। 13 TB ये है, हम लोग अगर 500 GB ले लेते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा है, 500 GB में इतना डाटा स्टोर कर लेंगे, हिम्मत नहीं। यहाँ पर मानव का 13 TB का है, लेकिन मानव का मेमोरी वोलेटाइल है, टाइल करने का मतलब क्या, भूलने वाला है, एरे से आ रहा है, एरे से जा रहा है। अगर मानव का मेमोरी भले टाइल नहीं रहता तो आज मानव पागल हो जाता, इसको क्या, ब्रेन हैंग कर जाता है। इसलिए प्रकृति ने मानव का मेमोरी भले टाइल बनाया है, जिस प्रकार कंप्यूटर का रैम मेमोरी भले टाइल है, रैम का नाम सुने, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कहीं जैसा देखने में लगता है, कहीं कहते हैं कंघी जैसा देखने में लगता है। अगर आप कंप्यूटर में कंघी जैसा देख ले तो समझिए किसी का नाम रैम है, ये बहुत प्रकार का था, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, कई इसका वर्जन है। लेकिन कोई कंपनी का हो, जिग्नेटी का हो, मर्करी का हो, ये हम बात नहीं करते हैं, यानी कोई कंपनी का रैम हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 13 TB यानी 0.4 वैल्यू बराबर 1 बिट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 224 बाइट बराबर 1 KB होता है किलोबाइट, 224 KB बराबर 1 MB होता है मेगाबाइट, 224 MB बराबर 1 GB होता है गीगाबाइट, 224 GB बराबर 1 TB होता है टेराबाइट, यानी इसके अंतराल पर चलता है। 224 KB बराबर
8 बिट बराबर 1 बाइट नीचे नीचे 24 जीबी बराबर 1 टीबी टेराबाइट समझ गए जी यस सर। इसके अंतराल पर चलता है तो जोड़ी है कि यहाँ पर 13 टीबी है तो कितना जीबी के बराबर है यस सर समझ गए। लेकिन हम लोग 512 एमबी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं कितना एमबी 512 एमबी पूरे जीवन में इस्तेमाल करते हैं जी ये सोचने वाला बात है जीबी के छोड़ दीजिए 512 एमबी में पूरा जिंदगी बिता देते हैं इतने मेमोरी यूज करते हैं लेकिन डॉक्टर लोग 1 जीबी इस्तेमाल करता है डॉक्टर लोग 1 जीबी मेमोरी को इस्तेमाल करता है अपना ब्रेन का लेकिन साइंटिस्ट लोग 5 जीबी हार्डली 5 जीबी यहां 13 टीबी का ब्रेन है जी कभी भरेगा नहीं भरेगा समझ गए। तो उसी प्रकार समझ गए सीयू एएयू और एमयू कंट्रोल यूनिट और ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट मेमोरी यूनिट इसमें सिंगल सिंगल लगा होता है तो इसमें यूजर सिंगल में वर्क करेगा जिसमें सिंगल सर्किट है तो सिंगल यूजर काम करेगा एक समय में यस सर मिनी कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जिसमें अनेक सीयू यानी मल्टी सीयू मल्टी एएलयू और सिंगल मेमोरी होता है मिनी कंप्यूटर कहलाता है। इसका काम गति माइक्रो कंप्यूटर से बहुत अच्छा लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है यानी तुलना कर रहा है कि माइक्रो से बहुत बढ़िया मिनी है लेकिन मेन फ्रेम से बढ़िया नहीं है। जैसे आप लोग डिग्री पढ़े होंगे डिग्री पढ़े होंगे ग्रामर में डिग्री क्या करता है ये तुलना करता है कि राम श्याम से अच्छा है लेकिन हरी से अच्छा, अच्छा नहीं, है। नहीं है डिग्री यही बताता है यहाँ पर तुलना कर रहा है यानी कंपेयर कर रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर बहुत अच्छा है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से अच्छा नहीं है। तो इसमें अनेक सी यानी मल्टी सी यानी सब इसमें मल्टी है केवल सिंगल मेमोरी है समझ गए सारा का डाटा एक मेमोरी में स्टोर होता है। यस सर जैसे देखें यहाँ नेटवर्किंग कंप्यूटिंग डिवाइस नेटवर्किंग किया है इसको माइक्रो में मिनी में कन्वर्ट कर दिया है बदल दिया है यानी एक बार में एक सिस्टम पर 6 यूजर काम कर रहा है। yes, इससे बनाने से हमको फायदा क्या है प्रोसेसर का बचत है। yes, अगर सिंगल सिंगल हम प्रोसेसर लगाएंगे तो हमको ज्यादा कॉस्टली आएगा समझ रहे। yes, अगर एक प्रोसेसर हम लगाते हैं सीपीयू 10,000 के तो 6 को लगाने में 60,000 रुपया बचत हो जाएगा। yes, लेकिन हम कंप्यूटिंग डिवाइस हम लगाते हैं 16,000 का सारा एक उससे चला रहे हैं तो हमको प्रोसेसर के क्या है बचत है सीपीयू में समझ गए। चलिए दो बात है समझ लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जिसमें अनेक सीयू अनेक एएलयू और अनेक मेमोरी होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। इस कंप्यूटर में एक समय में 20 से 200 यूजर साथ साथ काम कर सकता है समझिए एक बार में 20 से 200 यूजर एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकता है जी। एक प्रोसेसर है इसमें 200 कीबोर्ड लगा दिए 200 माउस 200 एलसीडी जोड़ दिए मॉनिटर यस वर्क करेगा। यस सर यह मिनी कंप्यूटर से काफी अधिक लेकिन सुपर कंप्यूटर से काफी कम होता है समझ गए। यस सर चलिए सुपर कंप्यूटर समझ गया मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये कंप्यूटर क्लियर। यस सर चलिए लास्ट है सुपर कंप्यूटर संसार का सबसे तेज गति का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर एनीवेक था एनीवेक नाम सुनेंगे अनुसरण में पढ़ेंगे एनीवेक। इसके बाद आया परम 10,000 परम 10,000 इसके बाद आया T3A अभी विश्व का सबसे तेज गति का कंप्यूटर है T3A लेकिन आ गया है सैनवे लेकिन सैनवे पूरा वर्ल्ड में नहीं है केवल रूस में से बनाया अभी रूस में चल रहा है सैनवे T3A से भी बहुत फास्ट चार्ज करता है। इसका प्रयोग भारत के मौसम अनुसंधान केंद्र में किया जाता है कहां पर
अपलोड किया जाता सुपर कंप्यूटर का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र में मौसमी घटनाओं की जानकारी है। जैसे लोग पेपर में पढ़ते हैं कि 25 तारीख है कुहासा करेगा, वर्षा होगा, ऐसा दिन करेगा, क्या वैज्ञानिक भगवान है जो बता देता है। यहाँ पर कंप्यूटर फ्यूचर बताता है, सूर्य का टेम्परेचर वायु का नमी पता कर लेता है, इतना घंटा के बाद सूर्य का टेम्परेचर कितना डिग्री हो जाएगा, वायु में नमी कितना डिग्री रहेगा। जब हमको सूर्य का टेम्परेचर पता हो जाएगा, नमी पता हो जाएगा, तो हमको दिन पता नहीं होगा जी। अगर 0 डिग्री आ जाएगा तो समझेंगे कि बर्फ जम जाएगा। कहीं नहीं जाइएगा, भारत का ही राज्य में माइनस में जाता है कि वहां पर कहीं बर्फ जम जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, यहाँ माइनस में जाता है, -11 डिग्री टेम्परेचर, ग्लेशियर ये सब जो है ना माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो वहां पर बर्फ ही बर्फ जम जाता है। अगर मान लेते हैं कि हमको 11 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, यहाँ समझ रहे ठंडा करे ठंडा बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसा मौसमी घटनाओं जानकारी है तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। चलिए तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।